तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ फेसबुक मार्केटिंग टिप्स 2019, हाउ टू रीच 1 लाख विथ वन एड सीक्रेट स्ट्रेटजी। यस गाइस, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक आध एड चला के काफी अच्छा रीच पा सकते हैं फेसबुक में। और गाइस, ये 2019 नहीं, 2020 2021 तक की गारंटी देता हूँ। अगर यही सारी चीजें, एल्गोरिथम ज्यादा चेंज नहीं होता है फेसबुक का, तो ये सारी चीज जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, वो अप्लाई करके आप काफी अच्छा बूम पे ले जा सकते हैं अपनी पूरी स्ट्रेटजीज को, ठीक है, ऑन फेसबुक में, जो चीज मैं बताने वाला हूं। तो अब इससे बेनिफिट आपका क्या क्या होगा वो भी मैं बता दूंगा। बेनिफिट ये होगा कि अभी आपको पता है कि मोनेटाइजेशन फेसबुक का ऑन हो चुका है, तो आप बहुत सारा फायदा उठा सकते हो फेसबुक पेज से, ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, आप कोई भी एड प्रमोट कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी का यूज करके, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे वो सीपीए मार्केटिंग हो, ठीक है। तो आज मैं इसका एक ओवरऑल आपको देने वाला हूँ और कैसे करना है वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कैंपेन सेट करना भी सून बताने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा एक लाइक। लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आपका 1 लाइक मुझे मोटिवेट करता है डेली आप लोगों के लिए कुछ अच्छा वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज लाइक करके एक कमेंट कर दो, और प्लीज इस वीडियो को 2 ग्रुप में शेयर करो, ताकि आप भी किसी की हेल्प कर सको अपने शेयर के जरिए। तो प्लीज शेयर किया करो यार, बिल्कुल फ्री है, और लाइक तो बिल्कुल फ्री है, प्लीज लाइक पे क्लिक करो। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्लिक नाउ ऑन लाइक 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 लाइक। और गाइज, तो करना क्या आपको मैं बता दूं, सबसे पहले कुछ रिजल्ट्स आपको दिखाता हूं गाइस। तो ये सबसे पहला रिजल्ट है, एक यहाँ वीडियो है जिसपे मैंने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी, जिसमें आपको पता है, देख सकते हो आप कि 110 शेयर आए हैं और 8.3K व्यू आया गाइस सिर्फ एक दिन। मतलब 400 से 600 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और उसका वो रिजल्ट है। सबसे पहला रीच आपको मैंने दिखा दिया, इसका पूरा रीच अगर मैं दिखाऊंगा तो 50-60 हज़ार से भी ज़्यादा है सिर्फ एक दिन का। और दूसरी चीज़ मैं दिखा दूँ, मेरा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रीच जो है आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ देखो 30 हज़ार एक दिन का सिर्फ रीच है ऑर्गेनिक। अगर जिस दिन भी मैं पेजेस पे काम करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरे रीच कहाँ कहाँ तक जाते हैं। 30,590, 13 जनवरी आपको दिख रहा होगा, 13 जनवरी 2019। तो ये कुछ रिजल्ट हैं ऑर्गेनिक के भी, पेड के भी। और ये मेरा पेज है जहां मैं आपको आज समझाने वाला हूं कि आपको ये काम कैसे करना है। तो सबसे पहले करना आपको ये है कि आपके पास एक पेज होना चाहिए, आप एक पेज बना लो फेसबुक पे। आपके पास नहीं है तो फ्री में फेसबुक पेज बन जाता है, ठीक है। उसके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, वो भी बता दूंगा कि कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो क्या आज मैं आपको डायरेक्टली बताने वाला हूँ फेसबुक मार्केटिंग टिप्स 2019, हाउ टू रीच 1 लाख विथ वन एड सीक्रेट स्ट्रेटजी में, तो बताने ये वाला हूँ कि आपको सबसे पहले एक वीडियो क्रिएट करनी है, चाहे वो एनिमेटेड वीडियो हो, चाहे वो कैसी भी वीडियो हो, टाइप की भी वीडियो हो सकती है, या आप उसको खुद अपना एक वीडियो बना सकते हो, मतलब एनिमेटेड वीडियो। इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए, किस टाइप का, इस टाइप का, जिस टाइप का यहाँ आपको दिख रहा है, मतलब एक क्या नहीं होना चाहिए, एक पोस्ट नहीं होनी चाहिए, एक वीडियो होनी चाहिए। तो एक एनिमेटेड वीडियो होनी ही चाहिए, एनिमेटेड वीडियो, ठीक है। और वो उसका जो लेंथ है वो 1 मिनट से कम होना चाहिए, 1 मिनट से कम, 1 मिनट से कम उसका लेंथ होना चाहिए, मतलब सेकेंड्स में, 30 सेकेंड से लेके 40 सेकेंड की ही वीडियो आपको बनानी है, 30 सेकेंड से लेके 40 सेकेंड की वीडियो बनानी है, ठीक है। और क्या करना है आपको, उस वीडियो को पोस्ट करना है फेसबुक में, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पोस्ट किया है वीडियो, जैसे कि ये वीडियो मैंने यहाँ डाली हुई है, कहाँ गया, ये वीडियो जैसे मैंने ये सब डाली हुई है, तो ये आपको क्या करना है, फेसबुक में पोस्ट करना है। ये वीडियो को आपको फेसबुक में पोस्ट करना है, जैसे कि ये वीडियो है, ठीक है, ये कितने 36 सेकंड की वीडियो है, तो आपको ऐसा पोस्ट करना है। देखो इसमें क्या हो रहा है, अब मैं इसको एक बार आपको चला के दिखाता हूँ, ये देखो। तो इसमें क्या हो रहा है गाइज, ये हो रहा है कि थोड़ा सा फन आ रहा है, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको अपने वीडियो में फन लेके आना है, ठीक है, आप कुछ भी अपने वीडियो में डाल सकते हो, चाहे वो सीपीए मार्केटिंग का नॉलेज हो या कुछ भी हो, मतलब बस एक थोड़ा अच्छा वीडियो होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, और थोड़ा सा वीडियो फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब वीडियो और पोस्ट में डिफरेंस ये है कि गाइस, पोस्ट ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं खींच पाता है और वीडियो ज़्यादा एंगेजमेंट खींच पाता है, तो चांस ये रहता है कि वीडियो वायरल होगा। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो अपलोड करने के बाद उसको करना है अलग अलग ग्रुप्स में शेयर,
ठीक है, कोई भी अलग अलग ग्रुप में शेयर, जैसे कि ये एक पोस्ट है तो यहाँ आपको करना है क्लिक और यहाँ आपको ग्रुप का बटन दबाना है, और ग्रुप का बटन दबाने के बाद आपको पता होगा कि आपको कैसे शेयर करना है। ठीक है, यहाँ आपको कोई भी ग्रुप का नाम डालना है और उसको शेयर करना है उस ग्रुप में। ठीक है, लाइक अगर मैं बिटकॉइन ग्रुप का नाम लेता हूँ या किसी का भी ऑनलाइन अर्निंग का नाम लेता हूँ, ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, तो उस ग्रुप में आपको क्लिक करना है और उस ग्रुप में इसको शेयर कर देना है। ठीक है, ऐसे पोस्ट पे दबा देना है। अब क्या होगा, आपको पहले जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे तो आपको नहीं भी तो इसको 5 ग्रुप में पहले शेयर करना है वीडियो डालने के बाद, और एक अच्छा कैप्शन देना है। कैप्शन में आपको कोई भी लिंक ऐड नहीं करना है। ठीक है, ये देखो, ये जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है कैप्शन में, तो यहाँ आपको कोई भी लिंक ऐड नहीं करना है। ठीक है, ये जो है कोई भी लिंक ऐड नहीं करना है। मैं आपको करके भी बता देता हूँ, एक काम करता हूँ, और जैसे कि ये देखो, यहाँ पर आपको एक वीडियो तैयार करनी है, एक सेकेंड, यहाँ आपको लिखना है दिस इज समथिंग डिफरेंट फॉर यू, ऐसे टाइप का कुछ लिखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर एक वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो अपलोड करने के बाद उसको पोस्ट कर देना है, और जैसे कि मैंने बताया उसको शेयर कर देना है। ठीक है, तो आपको इतना काम पहले करना है। उसके बाद जो आपको करना है वो करना ये है कि आपको 400 रुपीज खर्च करने हैं फेसबुक एड्स पे। फेसबुक एड्स पे जाके 400 रुपीज खर्च करने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना है। पूरी स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपका जो वीडियो है वो अलग अलग ग्रुप्स में चल जाता है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में आपका वीडियो चले जाता है, और वहां से आपको इनिशियल बूस्ट मिल जाता है। और जब आप 400 रुपये लगाते हो तो वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोगों को और दूर दूर तक आपके टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच जाता है, जिससे उसको इनिशियल बूस्ट से फायदा मिलता है। और आपका रीच, अगर वो जो आपने पैसा खर्च किया है वो 10,000 रीच आपको देने वाला है, तो उस रीच की क्वालिटी 10x हो जाती है बिकॉज ऑफ योर शेयरिंग। ठीक है, तो आपको पहले शेयर करना है फिर उसके बाद ऐड चलाना है। मोस्ट ऑफ पीपल यही गलती करते हैं, तो उनकी ऐड उतनी वैल्यूएबल नहीं हो पाती है। तो ऐसे करके आप अपने फेसबुक पर अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, और जिसका मैंने आपको पूरा का पूरा दिखाया भी है कि कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, इतना अच्छा जाता है 400-500 रुपये में शेयर करने में। और ये फ्री स्ट्रेटेजी के लिए मैंने वीडियो बना रखी है फेसबुक पे, फेसबुक के ऊपर, वो आप देख सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो। वीडियो बहुत पहले मैंने बनाई थी, तो उस चीज को आप देख सकते हो कि फ्री स्ट्रेटजी मैं कैसे यूज करता हूँ और उसका क्या रिजल्ट होता है, वो आप सामने ही देख रहे हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।